ओके okay. तो आज पहले हमने देखा था क्या है सी आर क्या होते हैं नेसेसरी कंडीशन बोला था हमने इसके लिए फॉर एनालिसिटी ऑफ एफ जेड एनालिसिटी मतलब एफ ऑफ जेड को एनालिटिक होने के लिए सी आर इक्वेशन ने कंडीशन है मतलब एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एफ ऑफ जेड के लिए करना जरूरी है लेकिन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कोई फंक्शन तो वो जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो ठीक तो है तो वही एक थेरम है और सॉरी एक एग्जाम्पल है उससे हम बता सकते हैं कि अगर से सी आर इक्वेशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक भी हो ठीक है ओके वही क्वेश्चन लिख ले रहा हूं मैं ठीक है क्या है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ सेट इक्वल्स टू अंडर उन् टू मोर एक्ट एक्स इंटू वाई इज नॉट एनालिटिक एनालिटिक तो नहीं है एट ओरिजिन एट ओरिजिन पे ये क्या है एनालिटिक नहीं है ऑल्थो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है एट द पॉइंट मतलब ओरिजिन पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है लेकिन क्या नहीं है एनालिटिक फंक्शन नहीं है ठीक है हाँ गिवन गिवन क्या है हमको एफ ऑफ सेट इक्वल्स टू मोड ऑफ अंडर रूट के अंदर मोड प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है अब यहाँ पर इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट से कंपेयर करते एफ ऑफ सेट को किस तरीके से लिख सकते थे यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई ये भी पूछा गया आप है आपसे एग्जाम में ठीक है हियर यू ऑफ एक्स वाई कितना है अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई है और वी ऑफ एक्स वाई कितना है यहाँ पर कोई आई की टर्म ही नहीं है दैट मीन्स वी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ से नाउ अब इसको हम डायरेक्टली पार्शियल डेरिवेट नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ठीक है किस तरीके से आएगा अंडर रूट के अंदर मोड फंक्शन है हमको इसका डायरेक्टली पार्शियल डेरिवेटिव लेते नहीं आता है ठीक है तो हम क्या करते हैं हमको पता है नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ़ पार्शियल डेरिटिव पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या था हमने देखा था फिर भी एक बार देख लेते हैं यू ऑफ एक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो ठीक है यू ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय एच ठीक है इस तरीके से होती है पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन अब इस डेफिनेशन का यूज करके हमको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना है एट ओरिजिन ठीक है एट ओरिजिन है एट ओरिजिन क्या होता है एक्स कॉमा वाई जीरो होता है एट ओरिजिन एक्स इक्व टू वाई इक्व टू जीरो नाउ यू ऑफ एक्स एट पॉइंट जीरो कॉमा जीरो दैट इज़ जीरो ज़ीरो पे क्या दे रहा है देखो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है प्लस एच वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है माइनस यू ऑफ ज़ीरो ज़ीरो ठीक है डिवाइडेड बाय एच ठीक है ये हमारे पास आ गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यू ऑफ एच कॉमा ज़ीरो माइनस यू ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो अपॉन एच अब यू ऑफ एक्स वाई क्या है यू ऑफ एक्स वाई है अंडर उड के अंदर मॉड ऑफ एक्स वाई ठीक है अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे एक्स यू ऑफ एच ज़ीरो क्या क्या है इसका मतलब एक्स के बदले एच रखेंगे एक्स के बदले एच रखेंगे और वाई के बदले जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच इन ज़ीरो जीरो हो जाएगा माइनस यू ऑफ जीरो जीरो मतलब मॉड ऑफ एक्स वाई दोनों को जीरो जीरो रखना है ओके लिमिट एच टेंस टू जीरो डिवाइडेड बाई एच ये दोनों भी जीरो ज़ीरो तो है ठीक है जीरो माइनस जीरो अपॉन एच दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो दैट इज अपॉन एच दिस इज ज़ीरो ठीक है सो so, यहाँ से यू ऑफ एक्स कितना मिला जीरो अब उसी तरीके से यू ऑफ वाई नाउ, यू ऑफ वाई क्या होंगे पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स वाई प्लस एच ओके माइनस यू ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एच ओके सेम डेफिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शल डेरीव्यूट करे तो वाई प्लस एच लिखना है एक्स से करते तो एक्स प्लस एच लिखना है ठीक है ओके एट ओरिजिन ओरिजिन पे क्या हो रहा है एक्स इक्व टू एंड वाई इक्व टू ज़ीरो है सो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स के बदले ज़ीरो वाई के बदले ज़ीरो पट करें जीरो प्लस एट डेट इज़ एच माइनस यू ऑफ जीरो ज़ीरो अपॉन एच देखो एक भी ज़ीरो रहा तो अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई है तो उनका प्रोडक्ट तो जीरो होना ही है तो डायरेक्टली मैं जीरो लिख रहा हूँ जीरो माइनस जीरो अपऑन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो दैट इज इक्व टू ज़ीरो ठीक है सेम एज़ जैसा कि हमने ऊपर किए थे ओके okay? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको वी एक्स वी वाई भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव अगर से आपको ज़्यादा मार्क के लिए पूछा है तो वैसा कर लेना हियर लेकिन अगर से कम मार्क के लिए पूछा है तो वी ऑफ एक्स वाई वाईक्वस टू जीरो वी ऑफ एक्स कितना होगा पार्शियल डेरिविटी ऑफ जीरो का जीरो एंड वी ऑफ वाई वाईक्व टू जीरो फ्रॉम अब यूक्स वाई वी एक्स वी वाई सबके सब जीरो क्लियरली क्लियरली Ux एक्स इक्वस टू वी वाई एंड यू वाई इक्व टू माइनस वी एक्स इम प्लाइस एफ ऑफ सेट सेटिस्फाइज कर लिया ठीक है ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है अब इसका मतलब ये नहीं बताना है हमको कि वो एनालिटिक है कि नहीं ठीक है एनालिटिक है इसका मतलब क्या है एनालिटिक इन डी है कि वो हर पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो हम एनालिटिसिटी एट जीरो चेक कर रहे हो तो जीरो पे वो डिफरेंशियबल होना चाहिए हमने पहले डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन देखी थी नाउ एट ओरिजिन लिख दो एट ओरिजिन पे सेटिस्फाई किया ना इसने वी शो दैट एफ ऑफ जेड ज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट ओरिजिन अगर से डिफ्रेंशिएबल नहीं हुआ ओरिजिन पे तो एनालिटिक होने का सवाल ही आना नहीं आ रहा है ठीक है एनालिटिक मीन्स कि वो हर पॉइंट पर डिफ्रेंशिएबल है ओके नाउ बाई डेफिनेशन एफ डैश ऑफ जेड एट पॉइंट ज़ीरो ओके या फिर एट पॉइंट जेड जीरो क्या होता है एफ ऑफ जेड लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो एंड जेड माइनस जेड जीरो डिनोमिनेटर में ओके okay? हमको कापर निकालना है डिफ्रेंशिएबल फंक्शन जीरो पर ओरिजिन पर सो लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड माइनस ठीक है एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय जेड माइनस ज़ीरो ठीक है एफ ऑफ जेड क्या है हमको फंक्शन गिवन है लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई माइनस ज़ीरो ज़ीरो पुट कर देंगे तो मॉड के अंदर ज़ीरो टू ज़ीरो दैट मीन्स ये ज़ीरो रहेगा और डिवाइडेड बाय जेड है ओके सो लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो ऊपर क्या रहा मॉड ऑफ एक्स एक्स इन वाई डिवाइडेड बाय जेड जेड को किस तरीके से लिख सकते एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म से ठीक है इस तरीके से लिख सकते हैं अब यहाँ पर z का कोई काम नहीं रहा क्यों नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हमने x इन टू वाई में लिखा तो लिमिट क्या लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू जीरो एंड लिमिट y टेंस टू जीरो क्यों क्योंकि ओरिजिन पे चेक कर रहे हैं ओके नाउ हमको पता है कि डिफ्रेंशियबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट पे चेक कर रहे हैं मतलब हमारे पास इनफाइनाइट वे है जाने के लिए तो ठीक है कोई भी एक आर्बिट्री वे ले लेते हैं वाई इक्व टू एम एक्स अगर से लिमिट सॉल्व करने के बाद कोई कॉन्स्टेंट रहा वेरिएबल एम तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होंगे, ठीक है अगर से कोई वैल्यू मिलती है हमको तो लिमिट एग्जिस्ट होती है तो पुट y इक्व टू एम एक्स सो लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो वाई इक्वस टू एम एक्स पुट कर दिया मतलब एक्सटेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा मॉड एक्स इंटू वाई इक्व टू एम एक्स पुट करना है एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई इंटू एम एक्स ठीक है ना लिमिट एक्स टू जीरो ठीक है अब यहाँ से मोड एक्स स्क्वायर एम हो गया ठीक है अब यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो वन प्लस आई एम हो गया ठीक है अब एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर है मोड के बाहर स्क्वायर वैल्यू सेम ही रहती है टू एक्स मॉड स्क्वायर तो ये बाहर निकल गया दैट मीन्स अंडर रूट के बाहर एक्स स्क्वायर निकलेगा तो एक्स रहेगा ठीक है और यहाँ पर रहेगा सिर्फ मॉड एम अपॉन वन प्लस आई एम इंटू एक्स 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 गेट कैंसल लिमिट में से एक्स कैंसल रहेगा तो बचेगा क्या एम रहेगा सो अंडर रूट मॉड एम डिवाइडेड बाय वन प्लस आई एम ठीक है एम के अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास अलग अलग लिमिट मिलेंगी सो एफ डैश ऑफ जीरो यूनिक नहीं है एक क्यों क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है एम पर वही लिख दे रहा हूं मैं इट शोज दैट एफ डैश ऑफ जीरो डिपेंड्स ऑन आर्बिट्री एम ठीक है एंड हेंस इट इज़ नॉट यूनिक तो यूनिक तो होंगे नहीं अलग अलग एम के लिए अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे ठीक है इम्प्लाइज एफ सेट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट औरिजिन अब डिफ्रेंशियबल ही नहीं है तो एनालिटिक सिटी का सवाल ही नहीं आता इज नॉट एनालिटिक ठीक है तो यहां से हमने क्या देखा कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है फिर भी क्या है एनालिटिक नहीं है फंक्शन ओके एक और थेरम देख लेते हैं हम फिर उसके बाद हम हारमोनिक फंक्शन के डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है इसमें हारमोनिक फंक्शन क्या है वो देखना है हमको ठीक है अगर से आपको कोई फंक्शन दिया इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा एम सी क्यू में लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू वन प्लस जेड अपॉन वन माइनस जेड इज एनालिटिक और नॉट ठीक है तो क्या बोलेंगे आप यहां पर एनालिटिक है कि नहीं मतलब सी पे पूछ रहा है मतलब हर पॉइंट पर डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट एन डी एनालिटिक D, डी और डिफरेंशियबल D. डी क्या होता है डोमेन जिस पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ठीक है हियर क्या है एफ ऑफ z इक्वस टू वन प्लस जेड वन माइनस जेड अब लिमिट यहाँ पर अगर से हम जेड इक्व टू वन पे चेक कर रहे हैं ओके लिमिट जेड टेंस टू वन एफ ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट क्यों इन्फिनिटी हो जा रहा है डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एक कंटिन्यूअस ही नहीं है ओके नॉट कंटीन्यूअस नॉट डिफरेंशियबल प्लाइज नॉट डिफरेंशियबल एट जेड इक्व टू वन ठीक है इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक ठीक है आपको ये पूछता है कि कोई फंक्शन ये एनालिटिक है कि नहीं है तो सीधी सी बात है डिफरेंशियेबल है कि नहीं चेक कर रो डिफरेंशियेबल मतलब कंटिन्यूटी भी चेक किया जाता नहीं कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ठीक है एक और थ्योरम फिर हम बढ़ते हमारे हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ नाउ इफ एफोबेड एंड एफ ऑफ जेड बार आर एनालिटिक फंक्शन ये अगर एनालिटिक फंक्शन है ठीक है देन प्रू एफ ऑफ जेड इज कॉन्स्टेंट ठीक है एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड बार दोनों एक साथ में क्या होते हैं एनालिटिक होते हैं एफ ऑफ जेड बार मींस इसका कॉन्जुकेट ठीक है अगर से दोनों भी एनालिटिक होते हैं तो एफ सेट क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है नॉन कॉन्स्टेंट होने के लिए क्या है मतलब एफ सेट एनालिटिक हुआ तो एफ ऑफ सेट को एनालिटिक नहीं होना पड़ेगा ओके okay, तो गिवन लिख रहा हूं मैं गिवन एफ सेट इज एनालिटिक इम्प्लाइज एफ ऑफसेट इक्वल्स टू यू प्लस आई वी सेटिस्फाइज क्या सेटिस्फाई करेगा सी आर इक्वेशन दैट इज यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू वी वाई ओके एंड यू ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स ठीक है इसको इक्वेशन नंबर वन बोलता हूं मैं ओके नाउ अगेन क्या है हमारे पास एफ ऑफ जेड बार इज एनालिटिक एफ ऑफ जेड बार को किस तरीके से लिख सकते हैं हम दट इज यू माइनस आई वी क्यों क्योंकि कॉन्जुगेट जब भी करते हैं हम तो क्या आई को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं ठीक है जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी था तो जेड बार यू माइनस आई वी हो जाएगा तो so यहां पर रियल पार्ट क्या है यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू यू है लेकिन वी ऑफ एक्स वाई कितना है यहां पर माइनस वी है ठीक है सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ सेट बार सेटिस्फाइज सी आर ठीक है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ so, वी को माइनस वी से रिप्लेस करना है सो यू एक्स इक्वस टू माइनस वी वाई एंड यू वाई इक्वस टू माइनस माइनस ऑफ वी एक्स ठीक है तो हिअर यू एक्स इक्वस टू माइनस वी वाई एंड यू वाई इक्वस टू वी एक्स इक्वेशन नंबर टू दे रहा हूँ मैं इसको ना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देखो इक्वेशन वन में यू ऑफ एक्स कितना है यू ऑफ एक्स इक्व टू वी वाई है ओके एंड यू ऑफ एक्स इक्व टू माइनस वी वाई है तो दिस इम्प्लाइज वी वाई इक्वस टू माइनस वी वाई एंड यू वाई कितना है उसमें माइनस वी एक्स है और इधर क्या है वी एक्स है वो माइनस वी एक्स इक्वस टू वी एक्स इम्प्लाइस वी वाई इक्वस टू ज़ीरो एंड इम्प्लाइस वी एक्स इक्व टू ज़ीरो अभी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं फ्रॉम दिस यू एक्स इक्वस टू ज़ीरो एंड यू आई इक्वस टू ज़ीरो ओके ये सब के सब ज़ीरो हो गए हमको पता था और क्या पता है हमको हमको तो सब पता है एव डैच ऑफ जेट इक्वस टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स होता है डेरिवेटिव किसी का भी कॉन्स्टेंट और सॉरी जीरो हुआ इसका मीनिंग क्या होता है फंक्शन कॉन्स्टेंट है यू एक्स की वैल्यू जीरो प्लस आई इन वी एक्स की वैल्यू जीरो सो एफ डाइश ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो ये ठीक है दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज कॉन्स्टेंट प्रूव ओके बच्चों ठीक है तो अगले लेक्चर में नया टॉपिक शुरू होने वाला है दैट इज़ हार्मोनिक फंक्शन उसके डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स थेरम ठीक है तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में थैंक यू वेरी मच